नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे स्टूडेंट जॉब एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में जो कि इंट्रेंस एग्ज़ाम 24 नवंबर को हुए हैं, विद्या ज्ञान स्कूल क्लासेस के लिए इंट्रेंस एग्ज़ाम इन सर के रिलेटेड है ये। तो हमारे इस चैनल के साथ जुड़िए, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने रखें तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन बटन भी प्रेस करें जिससे वीडियो अपलोड करें, इसका आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। इस वीडियो को लाइक करने पर दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो ये आंसर की जो है कि सेट B1 का है आपका, जो क्वेश्चन पेपर कोई भी हो क्वेश्चन वही है, बस केवल क्वेश्चन का जो नंबरिंग होता है वो चेंज रहता है। तो स्टार्ट करते हैं रीजनिंग से, क्योंकि रीजनिंग क्वेश्चन 58 56 से जो स्टार्टिंग था खंड का, जो कि अभी रुचि यानी कि रीजनिंग। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है रीजनिंग का, दो अंकों वाली ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें अंकों का जोड़ 16 या उससे अधिक है। तो इसका उत्तर रहेगा ऑप्शन डी, जो कि है 6। क्वेश्चन नंबर 57, नीचे दिखाई गई रचना कुछ सामान टुकड़ों से बनाई गई है, इस रचना को बनाने के लिए कितने टुकड़ों का उपयोग किया गया है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, जो कि 8 टुकड़ों का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए पैटर्न को देखें, यानी कि जो यहाँ पर खाली स्थान दिया गया चित्र का, यह हमें जो कि जो चित्र रहेगा वही चित्र हम यहाँ ऑप्शन चुनेंगे। तो यहाँ का जो ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा, ऑप्शन ले हैं यहाँ पर ऑप्शन बी यहाँ पर खाली स्थान पर रहेगा, यानी कि 58 का बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दी गई आकृति को देखें, नीचे दी गई आकृति को देखें, यहाँ पर कौन सा है इसका उत्तर है। तो क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनील की उम्र नितिन की उम्र से 30 वर्ष अधिक है, नितिन की उम्र मेघा की उम्र से 4 वर्ष कम है, मेघा की उम्र 10 वर्ष है, सुनील का उम्र कितनी है। तो इसकी उम्र है जो कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा, 36 यानी 36 वर्ष, वह 36 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दी गई वस्तु की 6 फलके हैं, नीचे दी गई वस्तु की 6 फलके हैं, जो कि ये फलक का जो है ये फलक का निशान बना हुआ है, तो नीचे गई वस्तु की कितनी फलके हैं। तो हमें इसका उत्तर बताना है। तो इसके जो फलके हैं क्वेश्चन नंबर 61 का, जो कि ऑप्शन नंबर डी है, जो कि 8 फलके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रुति के पास एक वर्गाकार कागज और कुछ वर्गाकार स्टिकर है, हर स्टिकर की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, श्रुति ने पूरे कागज को 9 स्टिकर से ढक दिया, कोई भी स्टिकर एक दूसरे को ढक नहीं रहा था, उस कागज की लंबाई क्या है। तो इसका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे अलग अलग संख्याओं के 5 कार्ड दिए गए हैं, राज विनय और जान ने इनमें से एक कार्ड लिया। तो इसका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी 7, जो कि 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए पैटर्न एक ही तरह की आकृति को बार बार जोड़कर बनाया गया है, इसमें आकृतियां ना तो एक दूसरे को ढक रही हैं और ना ही घुमाई गई हैं। तो इसका ऑप्शन ए उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, जो कि ये चित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानो एक खेल खेल रहा है जिसमें गणित की पहेलियाँ हैं, हर 3 पहेलियाँ का सही जवाब देने पर उसे एक सितारा मिलता है, अगर उसने शुरू से सभी जवाब सही दिए हैं और उसे अब तक 4 सितारे मिल चुके हैं, तो वह नीचे दी गई किस पर संख्या पर हो सकता है। तो वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दी गई डिब्बों में लिखी गई संख्या और रोडों के पैटर्न पर ध्यान दें। तो यहाँ पर नेक्स्ट वाले संख्या पर कौन सा वर्ड रहेगा, यहाँ पर जो रहेगा ऑप्शन बी रहेगा यहाँ पर।
ऑप्शन बी नेक्स्ट आकृति आएगा, तो ऑप्शन बी इस करेक्ट आंसर रहेगा, ई वन वन ई वन। क्वेश्चन नंबर 67, तानिया ने एक आयताकार गत्ते का टुकड़ा लिया और उसके किनारों को एक दूसरे पर ढके बिना नीचे दिखाए गए तरीके से मोड़ दिया। फिर तानिया ने उसे गत्ते को खोल दिया। गत्ता खुलने पर रेखा वाली सपाट सतह कैसे खुलेगी? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा? तो है ऑप्शन नंबर इस तरह से खुलेगा, जो कि ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 68, नीचे एक चित्र की रूप रेखा दिखाई गई है। नीचे एक रूप चित्र की रूप रेखा दिखाई गई है, तो ऑप्शन कौन सा है? तो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों आप लोग आंसर मिलाते रहिए, आंसर सेट कोई भी हो क्वेश्चन यही रहता है, बस केवल क्वेश्चन का नंबरिंग चेंज रहता है, आप लोग क्वेश्चन देखकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, सुनील अपनी गाड़ी में एक रास्ते से दफ्तर जाता है, जैसा कि नीचे चित्र में दिखाया गया है। बिंदका से लेकर दफ्तर तक रास्ते की लंबाई 2 किलोमीटर है, तो सुनील को अपने दफ्तर तक पहुंचने के लिए अपने वर्तमान स्थान बिंदु पर से लगभग कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? तो वो दूरी है 3 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे सितंबर 2011 का कैलेंडर दिखाया गया है, इनमें में से कौन सा विकल्प अगस्त 2011 का आखिरी सप्ताह दिखा रहा है? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर रहेगा, इसका उत्तर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंस आयशा और श्रुति बगीचे में सैर कर रहे हैं। तीनों ने प्रारंभ के निशान से शुरू किया, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तीनों अलग अलग रास्ते से समाप्त के निशान पर पहुंचे। तीनों में से सबसे अधिक दूरी किसने तय की? तो तीनों में से सबसे दूरी तय की श्रीति ने, जो कि ऑप्शन ये इज करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीवी पर दिखाया जा रहा था कि नया साल आने में कितने घंटे बचे हैं। जब राम ने 21 अप्रैल 2011 को टीवी देखा था, तो उसे उसमें यह दिख रहा था। नए साल के प्रारंभ के लिए समय की गिनती, जो कि यहाँ पर इतने समय दिखाया गया है, जो कि ऑप्शन यहाँ पर 1 घंटे के बाद टीवी पर कितने घंटे दिखाई देंगे, कि नए साल के प्रारंभ के लिए एक समय की गिनती, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर रहेगा, 6099। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिया गया पैटर्न वर्गों के आसपास त्रिभुजों को व्यवस्थित करके बनाया गया है। पैटर्न के अनुसार 5 वर्गों वाली आकृति में कितने त्रिभुज होंगे? तो त्रिभुज होंगे 15 त्रिभुज, जो कि ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। यहाँ पर 4 क्वेश्चन को 74, 75, 76 क्वेश्चन नहीं मिलेगा, क्योंकि वो हमारे पास क्वेश्चन पेपर नहीं था, इसलिए वो 4 अंक 4 क्वेश्चन छूट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा 77, गुप्त भाषा एक ऐसी भाषा होती है जो गोपनीय संदेश भेजने के काम आती है। एक गुप्त भाषा में हिंदी भाषा के हर शब्द के लिए एक बेतुका शब्द है। नीचे उस गुप्त भाषा के 2 उदाहरण दिए गए हैं और उनके साथ उनका हिंदी भाषा में अर्थ भी दिया गया है। कारिन गा पो का मतलब है यह मेरा पैन है। रानी पो तेन का मतलब है यह मेरा नाम रानी है। तो इसका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ये, हुन हुन का पो दाती, ऑप्शन ये इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रियंका ने नीचे दिखाई गई आकृति को एक कागज़ पर बनाया। कौन सी आकृति पर दी गई आकृति के समान है? आकृति को केवल घुमा दिया गया है, तो इसका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर 79। जीबी ने एक रंगीन कागज के टुकड़े को नीचे दिखाए गए तरीके से मोड़ा, फिर उसने मुड़े हुए किनारों से एक आकार काट कर निकाला जैसा कि नीचे दिखाया गया है। काट कर निकाला हुआ कागज का टुकड़ा खुलने के बाद कैसा दिखेगा? यानी कि काट कर निकाला हुआ कागज का टुकड़ा खुलने के बाद कैसा दिखेगा? तो इस तरह से दिखेगा, ऑप्शन नंबर ए की तरह। तो यहाँ पर आपको 74 का क्वेश्चन मिल गया है। क्वेश्चन नंबर 74 का था, आनंद ने नीचे दिखाई गई आकार की एक छोटी सीढ़ी खरीदी। ऊपर का दृश्य यहाँ पर इस तरह से दिखाया गया है और ऊपर से देखने पर सीढ़ी किस तरह से दिखेगी, यहाँ पर इस तरह से दिखाया गया है। तो किस तरह से दिखेगी, जो कि ऑप्शन नंबर ए की तरह दिखेगी, जो कि ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 75। रजत के स्कूल में गर्मी की छुट्टियां 40 दिनों की है। यदि छुट्टियां 28 मई को शुरू होती है तो स्कूल किस दिन खुलेगी? तो स्कूल किस दिन खुलेगी, जो कि 27 जुलाई को, सॉरी 7 जुलाई को स्कूल खुलेगी। अब यहां पर देख लीजिए, रजत के स्कूल गर्मी की छुट्टी 40 दिनों की हुई, छुट्टियां 28 मई को शुरू होती है, यानी 28 मई से शुरू होती है, तो 28, 29, 30 तीन दिन इस मई में गया और 30 दिन जून में जाएगा, तो 28 तीन 31, सॉरी 30 और 3 33 हुआ, और 7 उधर जाएगा जुलाई में, यानी कि 7 जुलाई तक 40 दिन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76। नीचे एक सभागार की योजना दिखाई गई है। यहाँ पर लिखा गया जो पे सब कुछ दिखाया गया है, स्टाफ लिख दिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा 76 का। Q29। क्वेश्चन नंबर 80। तीन लोग नीचे दिखाए गए हैं तरीके से खड़े हैं। अगर ये शरत है, ये उमेश है, ये अजय है, तो इसमें पूछा गया उमेश कौन है? तो उमेश शरत के दाएं और अजय के बाएं खड़ा, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 81 है। सॉरी फ्रेंड्स, इमेज जो होता है पीडीएफ हमने बनाया तो पीडीएफ छोटा बड़ा हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 81 है, मीना गिरीश रानी और विश्वा की उम्र के बीच जो संबंध है वह नीचे दिया गया है। मीना गिरीश से छोटी है, रानी विश्वा से छोटी है, विश्वा मीना से छोटा है, तो उम्र के हिसाब से इन चारों में सबसे छोटा कौन है? तो वो सबसे छोटा रानी है, जो कि ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 82। ऊपर दिखाए गए एक या उससे अधिक त्रिभुज का प्रयोग करके नीचे दी गई कौन सी आकृतियाँ बनी है? नोट, किसी भी आकृति में त्रिभुज एक दूसरे के ऊपर ढके हुए नहीं है। यहाँ पर निर्देश दे दिया गया है, जो कि आकृति फर्स्ट आकृति, सेकंड आकृति, ये थर्ड है। तो इसका उत्तर क्या रहेगा? तो इसका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, केवल आकृतियां 2 और 3 है। क्वेश्चन नंबर 83। मुकेश ने एक कागज के टुकड़े पर ज्यामितीय चित्र बनाया, फिर उसने कागज की नीचे दिखाए गए तरीके से एक आईने के सामने रखा। अब यहाँ पर चित्र दर्शाया गया है, एक आईना है, एक वस्तुएं हैं। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प आईने
में दिखने वाली सही छवि दिख रहा है। जो कि ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट रहेगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 84। अनीसा एक बड़े कागज पर हरे और पीले स्टिकर की मदद से एक पैटर्न बना रही है, जैसा कि नीचे दिखाया गया है। तो यहाँ पर नीचे पंक्ति दिखाया गया है। वह 6 हरे स्टिकर पहली पंक्ति में चिपकाती है, 8 पीले स्टिकर दूसरी पंक्ति में चिपकाती है, फिर से 6 हरे स्टिकर तीसरी पंक्ति में, 8 पीले स्टिकर चौथी पंक्ति में चिपकाती है। वह इस क्रम को दोहराती है। अगर अनीसा ने इसी तरह 16 पंक्तियां बनाई है तो कुल कितने हरे स्टिकर उपयोग किए होंगे, तो वह कितने स्टिकर प्रयोग किए होंगे, जो कि है उसका उत्तर 48 स्टिकर प्रयोग किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दिए गए चित्र में एक पाठशाला की बस की सीटों की व्यवस्था दिखाई गई है। बस की सीटें जैसा कि ऊपर से देखा जा सकता है छोटे वर्गीकरण में दिखाई गई है। 25 का क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी सीट ख। क्वेश्चन नंबर 86। सूरज के पास एक घन है जिसकी पलकों पर 1 से लेकर 6 तक संख्याएं लिखी हुई है। उसने घन को 3 बार लुढ़काया और उसे तीनों बार समान संख्या मिली। तो क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी 9। क्वेश्चन नंबर 87। रामू ने नीचे दिखाए गए पासे को फेंका। इस पासे को नीचे की पलक पर बिंदुओं की संख्या 3 है। पासे के नीचे की पलक को छोड़कर बाकी 5 पलकों कुल कितने बिंदु हैं। नोट, पासे में 1 से 6 तक अंक होते हैं, तो इसका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी 18, जो कि है 18 बिंदु हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। गिराओगे अगर मुझे तो जरूर टूट जाऊंगा, हंसोगे मुझे देखकर तो हंसता हुआ ही पाओगे, बताओ मैं कौन हूँ। तो ये ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा, सीसा। क्वेश्चन नंबर 89। सूर्यास्त होते ही चारों ओर अंधकार छा गया, यह वाक्य नीचे दिए गए किस प्रश्न के उत्तर में कहा गया होगा। तो ये ऑप्शन नंबर सी से जुड़ा हुआ है, सूर्यास्त होने पर क्या हुआ। क्वेश्चन नंबर 90, जो कि लास्ट क्वेश्चन है रीजनिंग के। बुझो एक पहेली। 3 अक्षर का मेरा नाम, प्रथम कटे तो तली हो जाती है, तीनों को यदि 2 मिला तो झट में से मैं उड़ी जाती हूँ, जो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर रहेगा, तितली। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना है, केवल इस वीडियो में रीजनिंग का ही सोल्यूशन लेकर आए थे। नेक्स्ट वीडियो में मैथ और जो बचे हुए हिंदी क्वेश्चन है वो भी रहेगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन बटन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे भी कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे आप लोग उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लेटेस्ट अपडेट यानी कि जो कि कट ऑफ या रिजल्ट रिलेटेड कुछ भी अपडेट आती है तो आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से न्यूज़ मिल जाएगा।